नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीव कुमार मुकेश। साहित्यिकी के इस कवि सम्मेलन में, इस कवि गोष्ठी में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज डीडी बिहार के इस महनीय कार्यक्रम में हमारे साथ बिहार के तमाम युवा कवि मौजूद हैं। मैं एक एक कर पहले परिचय कराता हूं। हमारे साथ हमारे बाएं हाथ के सबसे प्रथम में बैठे हैं प्रशांत बजरंगी जी। आप शोधार्थी हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के और देश के जाने माने कवि हैं। बिहार की मिट्टी की खुशबू ये देश के हर कोने में अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं चंदन द्विवेदी जी। आप जाने माने नाम होते हैं इस बिहार की मिट्टी के लाल, जो साहित्य में बहुत जाना पहचाना नाम है। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे दाहिने हाथ में हमारे साथ जुड़े हैं देश के प्रख्यात ओज कवि दिनेश देवघरिया जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। आप बाबा विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ की नगरी से आप आते हैं। हमारे साथ सुपौल से युवा कवि नया स्वर हमारे साथ जुड़े हैं रवि भूषण जी। बहुत बहुत पुनः बधाई। और मैं इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत चंद पंक्तियों से मैं करना चाहता हूं कि हम ही बिहार, हम मर विचार और संस्कार के की कहना, हम ही बिहार, हम मर विचार और संस्कार के की कहना, भगवान महावीर बुद्ध गुरु गोविंद खेले जे कर अंगना, हम ही बिहार, हम मर विचार और संस्कार के की कहना, हम ही बिहार, हम ही बिहार, हम ही बिहार, हम ही बिहार, क्या बात, हम ही बिहार, हम ही बिहार, हम ही बिहार, हम ही बिहार। बिना समय गवाए मैं सबसे पहले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनका परिचय मैंने आपको पहले करवाया है। देश का वो प्रसिद्ध नाम जो ओज कवि के रूप में पूरे देश में विख्यात हैं, अभी पटियाला में रहते हैं, बाबा बैद्यनाथ की नगरी से आते हैं। मैं अपनी चंद पंक्ति से इनको आमंत्रित करता हूं। स्वागत भैया। कि श्रम जज्बा ईमान बचा कर रखा है, कि श्रम जज्बा ईमान बचा कर रखा है दिल में हिंदुस्तान, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, दिल में हिंदुस्तान बचा कर रखा है। बहुत अच्छे दिनेश देवघरिया, बहुत 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 आभार संजीव भाई। साहित्यिकी के इस विशेष कार्यक्रम के महनीय श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जहां आपने बात जहां खत्म की वहां से प्रारंभ करता हूं। बिहार की बात की आपने, देश की बात की, कि मौन भला हो भी जाएं, मौन मौन भला हो भी जाएं पर बोलेगी अपनी तस्वीर, मौन भला हो भी जाएं पर बोलेगी अपनी तस्वीर। हमने नाम लिखा है अपना, बना लेखनी को शमशीर। हमने नाम लिखा है अपना, बना लेखनी को शमशीर। और अरे हवा के पागल झोंकों कैसे भला मिटा दोगे, क्या बात, अरे 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 हवा के पागल झोंकों कैसे भला मिटा दोगे, शिला लेख हैं नहीं रेत पर लिखी हुई, वाह वाह वाह, क्या बात, शिला लेख लिखी हुई कोई तकरीर। और भाई ने परिचय में कहा संजीव भाई आपने कि बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी से आता हूँ, तो अगली पंक्ति वहां से उठाता हूं कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से, हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से। दिवाली का त्योहार आ रहा है और हमारे यहाँ दिवाली में माँ काली की भी पूजा की जाती है। अगली पंक्ति देखिएगा कि सिंह नहीं डरा करते हैं कभी खून की होली से, और हम बम भोले करने वाले क्या डरना बम गोली से, और नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, नहीं पूजते हैं हम केवल नदियों पेड़ पहाड़ों को, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से, शस्त्रों को भी पूजा करते अक्षत चंदन रोली से। ये भारत है, भाई ने बात की, और भारत बनता किन से है। मैंने भाई बजन की बहुत प्रयास किया कि मैं श्रृंगार लिखूं। अक्सर लोग कहते हैं कि दिनेश भाई आप श्रृंगार क्यों नहीं लिखते, क्यों अंगार की बातें करते हो, तो मैंने प्रयास किया। सुनिएगा कि जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के, काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के,
जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई। जब जब लिखने बैठा कोई गीत प्रीत के बंधन के काजल मेहंदी कुमकुम रोली चूड़ी के और कंगन के जब जब चाहा लिख दूं गीत चंचलता तरुणाई पर घूंघट के पट गिरते आंचल यौवन की अंगड़ाई पर हर बार लेखनी यह मेरी मुझको धोखा दे जाती है वीर शहीदों की विधवाओं के आंसू लिख हवन हो चुके उनके यौवन बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला। और दूरदर्शन बिहार के समृद्ध मंच से तिरंगे को एक नई परिभाषा देने का प्रयास कर रहा हूँ आप सबकी उपस्थिति में कि बिंदिया का रंग देकर जिसने केसरिया ध्वज कर डाला यौवन की हरियाली देकर रंग हरा भी भर डाला रंगहीन जीवन की गाथा सदा श्वेत यह गाएगा नमन लिखेगी मेरी लेखनी और मस्तक झुक जाएगा। मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों मेरी लेखनी नहीं भूलती जिसने हवन किया सपनों का नहीं भूलती मातृभूमि को जिसने शीश दिया अपनों का जिसकी सुनी कोख हो गई उस माँ का चित्कार लिखेगी पुत्र को कंधा लिए पिता का यह टूटा संसार लिखेगी अग्नि देते पिता को दूध मुहों का यह अधिकार लिखेगी है अष्ट रक्त में डूबी लेखनी ये तो बस अंगार लिखेगी। और चार पंक्ति और रखना चाहता हूं इसी क्रम में कि मां भारती की किस प्रकार वंदना करते हैं ऐसे सपूत कि कोटि कर्म रत भुजा में दीप जगमगा रहे कोटि कर्मरत भुजा में दीप जगमगा रहे प्रसन्न हो मां भारती आरती है गा रहे आरती ये आरती मां भारती की आरती दया करो स्वीकार लो ये आरती माँ भारती। और केवल एक बंद देता हूं कि माँ भारती की आरती किस प्रकार होनी चाहिए सुनिएगा भजन जी भाई कि संस्कृति के थाल में विज्ञान का कपूर हो संस्कृति के थाल में विज्ञान का कपूर हो विकास का प्रकाश देख शत्रु चूर चूर प्राण की आहुति दे ललाट को निखार दूं प्राण की आहुति दे ललाट को निखार दूं तू कहे तो चरण रक्त धार से पखार सूर्य गाय कीर्ति सूर्य गाय कीर्ति चंवर चंद्रमा डोला रहे प्रसन्न हो मां भारती आरती है गा रहे आरती ये आरती मां भारती की आरती दया करो स्वीकार लो ये आरती मां भारती। वाह 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 बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत अद्भुत काव्यपाठ किया है आदरणीय दिनेश दुबरिया जी ने धन्यवाद। और बिना समय गवाए मुझे पता है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे साथ आज कितने युवा कवियों में कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई जिस तरीके से आपने परिचय कराया और ये महफिल जहां पहुंची है जिस उत्कर्ष पर दिनेश दुबरिया भाई ले गए हैं तो अब बनता है मिजाज इस महफिल का। और चंद पंक्तियों से जुड़ता हूँ कि जिस कलम से है हिमालय तुंग पर जिस कलम से है हिमालय तुंग पर जिस कलम से है वफा का वास्ता जिस कलम से दिल की दिवाली मनी है जिस कलम से दिख रहा है रास्ता जिस कलम से दिनकर ने ज्वाला जगाई उस कलम को खाद मिलनी चाहिए हर लेखनी आबाद मिलनी चाहिए हाँ हर कलम को दाद मिलनी चाहिए हर कलम को दाद मिलनी चाहिए। ग्राम्य जीवन के बारे में आपने परिचय दिया और शहर में रह करके हम सभी ग्राम्य जीवन को बहुत मिस करते हैं बहुत मिस करते हैं और ऐसे में हमें बचपन याद आ जाता है जब उस बचपन में हम अपने गांव में रहा करते थे। कुछ पंक्तियां जोड़ता हूं कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूं कि अब जाना छत पर क्यों सोना अच्छा था अब जाना छत पर क्यों सोना अच्छा था आंखों का चंदा से सीधा रास्ता था अब जाना छत पर क्यों सोना अच्छा था आंखों का चंदा तक सीधा रास्ता था
एक पेड़ था उसके नीचे बुढ़िया थी। बचपन में कल्पना बताया जाता था कि उस चांद पर देखो बुढ़िया रहती है, कि एक पेड़ था उसके नीचे बुढ़िया थी, दूर देश में सबका मामा चंदा था। क्या बात है। दूर देश में सबका मामा चंदा था और एक मनोहर पोथी वाले बापू थे। एक मनोहर पोथी वाले बापू थे, सबसे प्यारा बचपन का वह बस्ता था। एक मनोहर पोथी वाले बापू थे, सबसे प्यारा बचपन का वह बस्ता था, और 10 पैसे में जी भर हवा मिठाई थी। 10 पैसे में जी भर हवा मिठाई थी। घी तो 5 रुपल्ली से भी सस्ता था, आज की तरह 114 रुपए पर ही पहुंचाता। कि एक 10 पैसे में जी भर हवा मिठाई थी, घी तो 5 रुपल्ली से भी सस्ता था। यम्मा मोर्टिन यम्मी बर्फ मलाई थी। वो उस युग में पहुंचे जब मोर्टिन यम्मा मोर्टिन यम्मी बर्फ मलाई थी, सुबह सवेरे च्यवनप्राश का डब्बा था। यम्मा मोर्टिन यम्मी बर्फ मलाई थी, सुबह सवेरे च्यवनप्राश का डब्बा था, और दुनिया भर का सैर सपाटा करने को, दुनिया भर का सैर सपाटा करने को, बाइस्कोप ही पासपोर्ट था वीजा था। बाइस्कोप ही पासपोर्ट था वीजा था, और कदम कदम पर राजमहल की खुशियां थी। क्या बात है, क्या बात। कदम उसी को मिस करते हैं भाई, कि कदम कदम पर राजमहल की खुशियां थी, उंगली उंगली ताजमहल का नक्शा था। कदम कदम पर राजमहल की खुशियां थी, उंगली पर ही ताजमहल का नक्शा था, और कोई घड़ी नहीं थी ना कोई फोटो था। बुजुर्ग आज भी समय नहीं देखते, गांव के लोग सूरज की किरणें देख के पहचान लेते हैं कि समय क्या हो रहा है। अभी कोई घड़ी नहीं थी ना कोई फोटो था, मन की दीवारों पर सब कुछ चस्पा था, और लुका छिपी लूडो और कबड्डी थी। लुका छिपी लूडो और कबड्डी थी, दरवाजे के पीछे तेरा धप्पा था। लुका छिपी लूडो और कबड्डी थी, दरवाजे के पीछे तेरा धप्पा था। और शहरों ने तो छीन लिया है बचपन को, शहरों ने तो छीन लिया है बचपन को, शहरों ने तो छीन लिया है जीवन को। देसी दिल था गवई बचपन सच्चा था, बहुत बढ़िया। देसी दिल था गवई बचपन सच्चा था, और अंतिम शेर देखेंगे कि रंग समझने लगा तो सब बदरंग दिखे। रंग समझने लगा तो सब बदरंग, रंग समझने लगा तो सब बदरंग दिखे, ना समझी थी रंगों की तो अच्छा था। मैं सीधे सीधे प्रशांत बजरंगी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप शोधार्थी हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, और आप इस कम उम्र में आपने जो पहचान बनाई है, आप हमारे श्रोताओं को अपनी कविताओं के माध्यम से यह साबित करें कि हमारे देश का युवा, हमारे बिहार का युवा किस उत्कृष्टता की ओर साहित्य में बढ़ रहा है। कि नई शाम की खुशबू नई उम्मीद मुबारक हो। नई शाम की खुशबू नई उम्मीद मुबारक हो। मदीना के नमाजी को खुदा की दीद मुबारक हो। नई शाम की खुशबू नई उम्मीद मुबारक हो। मदीना के नमाजी को खुदा की दीद मुबारक हो। कि मिले गई है वो लड़की पहनकर सूट पटियाली। कि मिले गई है वो लड़की पहनकर सूट पटियाली। मोहल्ले के सभी लड़कों तुम्हें भी ईद मुबारक। नई शाम की खुशबू नई उम्मीद मुबारक हो। मदीना के नमाजी को खुदा की दीद मुबारक हो। कि मिले गई है वो लड़की पहनकर सूट पटियाली। मोहल्ले के सभी लड़कों तुम्हें भी ईद मुबारक हो। एक चंद मुक्तक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हमारे गोपाल सिंह नेपाली के बड़े गीतकार हुए, उनकी जमीन है दोबारा तिवारा पुकारा किया। उनकी जमीन पर मैंने 3 पंक्तियां रखने की कोशिश की है, निवेदन करता हूँ। कि उस नजर को नजर भर निहारा किया, उस नजर को नजर भर निहारा किया, क्या कहूँ कैसे कैसे गुजारा किया। क्या बात है, क्या बात। उस नजर को नजर भर निहारा किया, क्या कहूँ कैसे कैसे गुजारा किया, अस्थियां हो गई कल मणि करने का। उस नजर को नजर भर निहारा किया, क्या कहूँ कैसे कैसे गुजारा किया, अस्थियां हो गई कल मणि करने का। मन दोबारा तिवारा पुकारा, दोबारा तिवारा पुकारा किया, मन दोबारा तिवारा पुकारा किया। एक मुक्तक और निवेदन करना सुनेगा कि हम सब की ये दास्तां है, हम सब पर बेवजह ये आरोप लगा दिए जाते हैं,
हम कवियों की तरफ से आरोप का जवाब केवल इतना है। सुनिए कि हम बहुत खराब हैं ये जानकर बुरा लगा, हम बहुत खराब हैं ये जानकर बुरा लगा, अनपढ़ी किताब हैं ये जानकर बुरा लगा, हम बहुत खराब हैं ये जानकर बुरा लगा, अनपढ़ी किताब हैं ये जानकर बुरा लगा, जिनको पी के जल चुकी हैं कलियां मेरे साथ की, जिनको पी के जल चुकी हैं कलियां मेरे साथ की, हम वही शराब हैं ये जानकर बुरा लगा, हम वही शराब हैं ये जानकर बुरा लगा। आठ पंक्तियां फिर निवेदित करता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रेम में कोई निश्चित वर्तुल नहीं है, प्रेम की कोई परिधि नहीं है, किंतु मैं विभिन्न उपमाओं के माध्यम से प्रेम की परिधि रखने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप प्रश्नोत्तरी शैली में आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूँ कि किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, जितनी हसरत थी पाने की उतना, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, जितनी हसरत थी पाने की उतना, किसी के बाद किसी को कितना सोचा जाए, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, जितनी हसरत थी पाने की उतना, किसी के बाद किसी को कितना सोचा जाए, जितनी तोहमत ली पाने में उतना, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, जितनी हसरत थी पाने की उतना, किसी के बाद किसी को कितना सोचा जाए, जितनी तोहमत ली पाने में उतना, किसी के बाद किसी को कितना रोया जाए, किसी के बाद किसी को कितना रोया जाए, जितनी वहशत है आंखों में उतना, किसी के बाद किसी को कितना रोया जाए, जितनी वहशत है आंखों में उतना, किसी के बाद किसी को कितना खोया जाए, किसी को बाद किसी को कितना खोया जाए, जितनी हिजरत है सांसों की उतना, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए, जितनी हसरत थी पाने की उतना, किसी के बाद किसी को कितना चाहा जाए। फिर चार पंक्तियां निवेदित करता हूं प्रेम के आधार पर, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि गीत के अक्षरों की कथन प्रेम का, भाव आंसू मेरे और नयन प्रेम का। मैं सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि गीत के अक्षरों की कथन प्रेम का, भाव आंसू मेरे और नयन प्रेम का, यज्ञ की वेदियों पर सतरंगी चावले, यज्ञ की वेदियों पर सतरंगी चावले, धूप चंदन की सौ सौ हवन प्रेम का, धूप चंदन की सौ सौ हवन प्रेम का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। रविभूषण जी, जी आप सबों को प्रणाम, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। सीधे सीधे आपके साथ जुड़ना चाहूंगा कुछ पंक्तियों के साथ, आपके लिए कुछ पंक्तियां है कि भरी महफिल में जब तन्हा हो जाता हूँ, भरी महफिल में जब तन्हा हो जाता हूँ, यकी मान तेरी यादों में खो जाता हूँ, यकी मान तेरी यादों में खो जाता हूँ, ये जो आती है ये जो आती है हिचकियाँ मुझे रुक रुक कर, ये जो आती है हिचकियाँ मुझे रुक रुक कर, तुम याद आते हो, तुम याद आते हो या याद दिला जाता, तुम याद आते हो या याद दिला जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। और जैसा कि भैया ने शुरुआत की कोरोना से ही, तो मैं एक चित्र रख रहा हूं आपके सामने कोरोना के समय की, कि एक पिता का देहांत होता है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। मैं अखबार पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ये पंक्तियां निकल रही थी, उस समय पे रामायण चल रहा था, तो उसी वक्त की कहानी है कि
उस पिता के पास बेटियों के अलावा बेटे नहीं थे, और हमारे यहाँ प्रथा है कि मुखाग्नि बेटे ही देते हैं जी। और उस बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, और वही चित्र आपके समक्ष रख रहा हूं। चित्र को महसूस कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा कि बेटों की चाह में, बेटों की चाह में बेटियां हम खोते रहे, बेटों की चाह में बेटियां हम खोते रहे, उम्र एक आई तो हम बेटों पे रोते रहे, उम्र एक आई तो हम बेटों पे रोते रहे, रात भर जग कर दवाई, रात भर जग कर दवाई दी जब बेटी ने, रात भर जग कर दवाई दी जब बेटी ने, बेटे घर में चादर ओढ़ कर थे सोते रहे, बेटे घर में चादर ओढ़ कर थे सोते रहे, बेटों की चाह में बेटियां हम खोते रहे, उम्र एक आई तो हम बेटों पे रोते रहे। और चित्र देखिएगा, बेटी का नाम योग्यता, और देखिएगा कि कैसी योग्यता उसने दिखाई है कि आज फिर एक बेटी ने, आज फिर एक बेटी ने अपनी योग्यता दिखाई है, आज फिर एक बेटी ने अपनी योग्यता दिखाई है, देखे मुखाग्नि पिता को अपनी उपयोगिता बताई है, देखे मुखाग्नि अपने पिता को अपनी उपयोगिता बताई है। और हर पिता का सपना होता है अपनी बेटे के लिए कि मैं अपनी लाडू को इस प्रकार से विदा करूं, ये सपने सजाऊं, इस प्रकार के घर द्वार में जाए मेरी लाडो। और देखिए कि वो सपना कैसे टूट रहा है, वो चित्र अनुभव कीजिएगा कि जिस लाडो के सपनों की बाग, जिस लाडो के सपनों की बाग उम्र भर संजोते रहे, जिस लाडो के सपनों की बाग उम्र भर संजोते रहे, आज देखो आंखों के सामने वो कैसे खोते रहे, आज देखो आंखों के सामने वो कैसे खोते रहे, बेटों की चाह में बेटियां हम खो रहे, उम्र एक आई तो हम बेटों पे रोते रहे। और बहुत अच्छा, अंतिम चार पंक्तियां महसूस कीजिएगा, ये पंक्तियां लिखते हुए मेरे कलम कांप रहे थे, मेरे आंख डबडबाए हुए थे, और मैं जब भी पढ़ता हूं मैं अंदर से पूरा, मैं बता नहीं सकता किस प्रकार हो जाता है। स्वागत है भाई, रखता हूं कि खुद के आंसू पोंछ ली, कि खुद के आंसू पोंछ ली कि रो न पड़े माँ कहीं, खुद के आंसू पोंछ ली कि रो न पड़े माँ कहीं, हिम्मत वो देती रही बहनों को भी पास वहीं, हिम्मत वो देती रही बहनों को भी पास वहीं। और देखिए ये नजारा देखते हुए आसपास के लोगों का क्या हाल था कि देखिए नजारा सब, देखिए नजारा सब मन ही मन थे रोते रहे, देखिए नजारा सब मन ही मन थे रोते रहे, बेटों की चाह में क्यों बेटियां हम खोते रहे, बेटों की चाह में क्यों बेटियां हम खोते रहे, बेटों की चाह में क्यों बेटियां हम खोते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस काव्य पाठ के दरमियान रोंगटे खड़े हो रहे थे, अपनी चंद पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। कि चौखट चौखट ड्योढ़ी ड्योढ़ी कण कण में सियाराम बसे, चौखट चौखट ड्योढ़ी ड्योढ़ी कण कण में सियाराम बसे, कि हर मन के मंदिर की मूरत जन जन में सियाराम। बहुत बढ़िया। चौखट चौखट ड्योढ़ी ड्योढ़ी कण कण में सियाराम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत जन जन में प्रिय राम बसे, चौखट चौखट ड्योढ़ी ड्योढ़ी। बंद रखता हूँ कि जात धर्म
राम न बाटो मत बाटो किसी भाषा में, क्या बात है भाई? राम को राम से राम ही जानो, राम के ही परिभाषा। जाति धर्म राम न बाटो मत बाटो किसी भाषा में, राम को राम से राम ही जानो, राम के ही परिभाषा में। सरयुग तट से नीर निधि तक, सरयुग तट से नीर निधि तक, सबके ही पिय राम बसे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम। वाह 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 भाई वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चौखट ड्योढ़ी ड्योढ़ी, एक बंद और रखता हूं। जीवन के अभाव राम है, भाव सकल अविनाशी है, राम के जीवन पथ में ही प्रिय बसता काबा काशी। वाह 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 वाह। जीवन के अभाव राम है, भाव सकल अविनाशी है, राम के जीवन पथ में ही प्रिय बसता काबा काशी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अहंकार तम लोभ हो काफुर, अहंकार तम लोभ हो काफुर, अधरों पर निज राम सजे, हर मन के मंदिर की मूरत, जन जन में प्रिय राम से। चौखट चौखट ड्योढ़ी ड्योढ़ी, चंद पंक्तियां और। कि पुत्र सखा भाई राजा और, मृग खग नभ के प्राण है राम, पुत्र सखा भाई राजा और, मृग खग नभ के प्राण है राम, रिश्तों में कच्चे धागों का सच्चा एक प्रमाण है राम। वा, वा। पुत्र सखा भाई राजा और, मृग खग नभ के प्राण है राम, रिश्तों में कच्चे धागों का सच्चा एक प्रमाण है राम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, गोड लगे।